वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। लेकिन अब मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूं उसे देखकर आप अपना माथा जरूर ठोक लेंगे। देखिए क्या होता है कि देश दुनिया में कई तरह के ब्रिज देखे होंगे आपने। कई ब्रिजेस को देखकर आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सैल्यूट भी करते होंगे, लेकिन जिन ब्रिज को अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकता सिवाय भगवान के। ईस्टर्न इंडिया की खूबसूरत वादियों वाला स्टेट है मेघालय। यहां के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के माउलिंगलोंग गांव में एक ऐसी चीज है जो इंसान और नेचर के बॉन्डिंग का ब्यूटीफुल एग्जांपल है, लिविंग रूट ब्रिजेस। मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेंगे ऐसे कई लिविंग रूट ब्रिजेस जिन्हें खासी और जयंतिया लोगों ने बनाया। लिविंग ब्रिज ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। मॉनसून के दौरान यहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है, इसलिए कई सालों पहले यहाँ रहने वालों ने नदी के किनारे बैनियन ट्री लगाई, और जब ये बैनियन ट्री बड़ी हो जाती है तो उनकी बेलें लटकने लगती हैं, तो उन्हीं की मदद से रूट ब्रिजेस को बनाया जाता है। बैनियन ट्री की नेचुरल इलास्टिसिटी इस ब्रिज को मजबूती देती है। इन जड़ों को बैम्बू के खोल या सुपारी के तनों के खोल में डालकर ब्रिज का शेप दिया जाता है, और फिर चलने की जगह बनाने के लिए पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस की एक लिविंग रूट ब्रिज को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, और एक बार बनने पर ये ब्रिजेस 500 साल तक भी सरवाइव कर सकते हैं। क्या बात है भाई, कॉस्ट जीरो और मेंटेनेंस ना के बराबर। और तो और ईस्ट खासी हिल्स में आपको खूबसूरत डबल लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। लिविंग रूट ब्रिज ये प्रकृति के मानव और मानव की प्रकृति पर निर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दूसरे शब्दों में यूं कहे कि यह हमारे लिए जीवनदायी संपदा है। इस 100 साल से भी ज्यादा पुराने ब्रिज की लंबाई है करीब 65 फीट और चौड़ाई है 6 से 8 फीट, और मजबूत इतना है कि एक बार में करीब 500 लोग इसे पार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बारिश के इलाकों में से एक मेघालय के इस रीजन में, जहां प्रॉपरली इंजीनियर्ड और गवर्नमेंट के बनाए गए कोई ब्रिजेस नहीं है, वहां ऐसे रूट ब्रिजेस की अपनी ही एक खास इंपॉर्टेंस है। इन्हें गांव के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जहां की लोगों को मदद खुद मदर नेचर करती है, वहां के लोगों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। जहां स्टील ब्रिजेस बारिश में जंग लगने पर कमजोर होते हैं, वहीं ये लिविंग रूट ब्रिजेस और भी मजबूत होते जाते हैं। अपनी नेचुरल ब्यूटी और यूनिकनेस के लिए ये लिविंग रूट ब्रिजेस टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन रहते हैं। टूरिस्ट सीजन में यहाँ एक दिन में 1000 से ज्यादा टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं। इंडिया का कोई भी कोना हो, हमें उसे अपनी जरूरत के हिसाब से खूबसूरत बनाना आता है। लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे नेचर और इंसान के बीच की बॉन्डिंग का प्यारा एग्जाम्पल हमें सिर्फ देखने को मिलता है इंडिया में, क्योंकि कुछ तो खास बात है हमारे इंडिया में, तभी तो दिल से हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, OMG, ये मेरा इंडिया। You know, पेड़ ऑलवेज किसी ना किसी तरह हमारी हेल्प करते हैं, कभी लिविंग ट्री ब्रिजेस बनकर, कभी धूप में छांव देकर, और जब पुलिस पीछा कर रही हो तो अपने पीछे छुपाकर भी। एक चोरी जान सकता है। खैर, मैंने तो सोच लिया है ऐसे 2 पेड़ लाऊंगा, एक अपने घर पे रखूंगा और दूसरा ऑफिस में। कुछ दिनों में खुद का ट्रैफिक फ्री ब्रिज तैयार, क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक से बचने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हमारे पास। खैर, मेरा तो प्रॉब्लम